शहर के मोदी चोटा इलाके में बनी किरण ज्वेलर्स पे हुई ठगी। दिन दहाड़े दुकान में फर्जी ग्राहक बनकर आए तीन लोगों ने दुकान से सोने के जेवर चुराए और हुए रफू चक्कर। हालांकि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दो महिलाएं और एक व्यक्ति को देखा जा सकता है जो कि दुकान से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि करीब 3:30 बजे दोपहर में तीन लोग उसकी दुकान में आए और जेवर दिखाने के नाम पर उसकी दुकान से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसमें दो महिलाएं और एक व्यक्ति शामिल था। उसने इस घटना को लेकर अब पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है, जिसको लेकर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। क्या नाम है और किस तरह का मामला हुआ? सर, मेरा नाम ख्याललाल सोनी है। अपने मोती चोटा में किरण ज्वेलर्स नाम से शॉप है। आज की घटना ऐसा हुआ था कि करीबन 3 बजे 3:30 बजे के आसपास दो लेडीज और एक जेंट्स आए थे। अननोन लोग थे, पता नहीं चला। आके बोला कि झुमके दिखाओ, टॉप दिखाओ, तो बच्चे ने दिखा रहा था, बच्चे और वाइफ दोनों दिखा रहा था। फिर बातों में उलझाए, उन्होंने ये भी दिखाओ, वो दिखाओ, यूँ कर करके बहुत टाइम ख़राब किया। फिर उन्होंने पुराना सोना भी निकाला, इसका कितना वजन है, इसका कितना आएगा, वो भी इसको बता दिया। उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, इतना कम नहीं चलेगा मेरे को, इतना आप तो बहुत कम दिखा रहे हो। ताकि उस दरमियान हम लोगों को क्या किया कि उस बोला कि चलो वो चाय तो पिला दो, तो वो चाय बोलने के लिए बच्चा सामने गया, तब तो उसने मौका दे के दो जोड़ी झुमकी गायब कर दी, पता नहीं चला। फिर बोले कि नहीं, एक जोड़ी आप अलग रख देना, हम वापस आ रहे हैं, दूसरे का देख के आते हैं। तो वो जल्दबाजी करके निकल गए बाहर, और जाने के बाद हमने हमारा स्टॉक चेक किया तो उसमें से हमारा दो जोड़ी झुमके कम पाए गए। लेकिन उसकी रिपोर्ट भी हम थाने में दी, उसके फुटेज भी निकाल लिए गए हैं। अब पुलिस पता कर रही है, और हम भी चाहते हैं कि जो भी इस टेरिटरी काम करते हैं सतर्क रहे, सावधान रहे।